फ्रेंड्स, मैं हेमा, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। पिज्जा सबको पसंद है, लेकिन आज हम उसे हेल्दी टच देकर पराठे के स्टाइल में बनाएंगे, और वो भी विदाउट ऑनियन गार्लिक। तो चलिए पिज्जा पराठा बनाते हैं। ये हम पहले आटा लगा लेंगे। एक बोल में मैंने 2 कप घी का आटा लिया है, उसमें स्वादानुसार नमक ले लेंगे और इसमें हम पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसे सॉफ्ट करेंगे। इस डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पिज्जा पराठा स्टफिंग के लिए हम एक बोल में 1/4 कप शिमला मिर्च लेंगे, ये मैंने बारीक कट की है। 1/4 कप फाइनली चॉप्ड रेड कैप्सिकम ले लेंगे। 1/4 कप ग्रेटेड चीज ले लेंगे। 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड ग्रीन ऑलिव्स ले लेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ओरिगेनो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून टमाटो सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिज्जा सॉस ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पिज्जा पराठा स्टफिंग तैयार है। स्मॉल बॉल साइज में हम आटा ले लेंगे। इसे पूरी शेप में हम रोल करेंगे। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे और इसे अच्छे से सील कर देंगे। इसे आटे से डस्ट करेंगे और इसे रोल करेंगे। इस तरह हम उसे थिक रोटी जैसा बेलेंगे। तवा गरम हो चुका है, उसके ऊपर हम इसे सेकेंगे। इसे फ्लिप करेंगे। घी लगाकर दोनों साइड हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। पिज्जा पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। इसी तरह हम सभी पराठे कर लेंगे। हमारा यम्मी पिज्जा पराठा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हो गया है।